स्थलमंडल अनेक प्लेटों से में विभाजित है। जो हमारा स्थलमंडल है जिसमें हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारी प्लेटें हैं जिसे स्थलमंडल या प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जिसमें हम रह रहे हैं उस स्थलमंडल की बहुत सारी प्लेटें हैं, बहुत सारी प्लेटों से वो बना है। वो प्लेटें धीरे धीरे घूमती रहती है और वर्ष में केवल कुछ किलोमीटर के लगभग घूम जाती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये प्लेटें क्यों घूमती है? क्योंकि मैग्मा पृथ्वी में पिघला हुआ है और उसकी वजह से वो घूमता है, उसकी वजह से ये प्लेटें घूमती है। अब पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वर्तीय रूप में घूमता है। आपको पता है मैग्मा इस तरह से है, हमने पढ़ा था ना, जो क्रोड होता है, क्रोड की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 3500 किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें इतना सारा मैग्मा है, उसमें इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, मतलब ज्यादा तापमान होता है और ज्यादा दाब होता है वहां पे, जिसकी वजह से ये घूमती है प्लेटें। अब ये वर्तीय रूप समझ में आ गया आपको, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। एक क्रियाकलाप जरूर के देखो, आपने क्या करना है, एक छोटी सी कलर्ड बोल लेनी है। ठीक है, उस बोल को क्या करना है, एक बीकर में डालना है। कैसे बीकर में? जब वो बीकर एक तिहाई पानी से भरा हो। अब उस बीकर को एक स्टैंड पे रख के नीचे से उसमें मतलब गर्मी देनी, हीट देनी है बर्नर जला के कैसे भी। तो जैसे ही वो ठंडा पानी बीकर का गर्म होना शुरू हो जाता है तो ठंडे पानी के साथ ही वो बोल क्या है, उपती है। फिर ऐसे ही वो हीट को हम बंद कर देते हैं तो वो बोल क्या है, नीचे बैठ जाती है। समझ में आ रहा है कि मतलब नीचे से हीट देने की वजह से जब उस पानी में का टेम्परेचर में बदलाव होता है तो वो बोल ऊपर जाती है, नीचे बैठ जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार कार्य करता है, गति करता है। अब क्लियर हो गया किस तरह से वो मैग्मा काम करता है। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब प्लेटों की जो गति होती है ना, जो उनकी चाल होती है, पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है। मतलब पृथ्वी की एक जो सतह है वो प्लेटों से बनी हुई होती है। ठीक है, बनी हुई है बल्कि। तो जैसे ही वो प्लेट खिसकती है तो पृथ्वी की सतह पर भी तो फर्क पड़ेगा ना, तो इसलिए वहां परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर, कौन से बल? जो प्लेटों के बीच में लगते हैं, जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। क्लियर हो गया? जो बल पृथ्वी के अंदर भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स होते हैं। एक एक्सोजेनिक जो बाहरी जनिक बोल, बाहर जनिक बोल बल जो होता है वो पृथ्वी को की बाहर की सतह से उत्पन्न होते हैं। मतलब एक पृथ्वी की सतह के अंदर होने वाले अंतर्जनित और पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो बल पैदा होता है उसे बाहिर्जनिक बल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो जाता है, आप एडजस्ट कर लेना, समझ लेना कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी धीमी गति। जो अंदर वाले बल होते हैं ना, पृथ्वी के अंदर से जो बल होते हैं, कभी तो वो इतना तेज हो जाते हैं और कभी धीरे धीरे ही होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब जैसे जो तेज होते हैं ना, जो बल बहुत ज्यादा तेज होते हैं, उसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की गति पर अत्यधिक हानि होती है। अब जो इतना तेज हुआ है जिसकी वजह से भूकंप ही आ गया, तो ऑब्वियस है कि वहां पर नुकसान तो होगा ही। ठीक है, अब करते हैं अंतर, ये जो स्थलमंडलीय प्लेट क्या है। देखो, भूपरपटी में अनेक बड़ी और छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें हैं। ठीक है, असमान आकार की क्यों? क्योंकि नेचर ने बनाई है ये। अगर इंसान बनाता तो उनको एक ही शेप में रखता है ना, इस तरह से जैसे हम घर में ईंटें लगाते हैं। ये नेचर ने बनाई है तो कोई छोटी बड़ी कोई कुछ भी हो सकती है, कुदरत को किसी असमानता से फर्क नहीं पड़ता है ना। इंसान को ही फर्क पड़ता है कि सब गोरे होने चाहिए, सब मेरी फैमिली में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अपना अपना सब सोचते हैं और एक सिक्वेंस में एक सुंदरता को ध्यान में रखते हैं। अब जिन पर महाद्वीप एवं सागर की सतह टिकी है, अब इन प्लेटों पर क्या क्या होता है, कहीं पे महासागर है, कहीं पे महाद्वीप है। ठीक है, पृथ्वी की गतियां देख लो, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल, मतलब जो अंदर वाले फोर्स हैं वो और बाहर वाले फोर्स हैं, उनको किस तरह से देखा है यहाँ पे। देखो, अंतर्जनित आकस्मिक भी हो सकते हैं और पटल विरूपण बल भी हो सकते हैं। जो अचानक से बल आता है ना, बहुत तेज आता है, उसकी वजह से भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी आ जाते हैं, भूसंकलन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं। जो अंदर की तरफ बल लगते हैं पृथ्वी में, जो मैग्मा की वजह से लगते हैं, लावा की वजह से लगते हैं, उसमें दो तरह के बल होते हैं, आकस्मिक और पटल विरूपण बल। ठीक है, अब जो अचानक से बल आता है उसमें भूकंप भी आ सकता है, ज्वालामुखी भी और भूसंकलन भी, मतलब पृथ्वी ऐसे हिल सकती है थोड़ी सी। अब पटल विरूपण बल जो होता है उसमें पर्वत निर्माणकारी बल होता है, उसमें पर्वत बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भूसंकलन किसकी वजह से होता है, ऑप्शन देंगे आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, अपरदन और निक्षेपण बल या कोई और बल लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जो विनाशकारी है ना, ये आकस्मिक बल की वजह से होते हैं। क्लियर हो गया, ये सारे बल हम धीरे धीरे फिर से पढ़ेंगे आगे चैप्टर में डिटेल में। अपरदन और निक्षेपण जो होता है, उस नदी और बहता जल इसमें आता है, पवन इसमें आती है ना, और समुद्री तरंग इसमें आती है, हिमनद इसमें आता है, हम सारे बलों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखो,